राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे राजनेताओं की जुबानी जंग भी तेज हो गई है। इस कड़ी में एक बार फिर सामने आए हैं आम आदमी पार्टी के नेता कुमार विश्वास। विश्वास ने पीएम मोदी और बीजेपी की सीएम पद की उम्मीदवार किरण बेदी पर जमकर हमला बोलते हुए कहा कि किरण बेदी किराए की कप्तान है और नरेंद्र मोदी गब्बर सिंह। बता दें कि कुमार विश्वास ने रजौरी गार्डन में एक सभा के दौरान ये बातें कही। साथ ही उन्होंने कहा कि गब्बर को ये मालूम हो कि किराए की कप्तान से जय और वीरू हार नहीं सकते। कुमार यहीं नहीं रुके और सीधे सीधे पीएम मोदी पर हमला बोलते हुए कहा कि जो बीजेपी के गुरु लाल कृष्ण अडवाणी के आगे नहीं झुका वो किरण बेदी के सामने झुक गए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब कुमार विश्वास ने बीजेपी और किरण बेदी पर हमला बोला है। इससे पहले भी जब किरण बेदी भारतीय जनता पार्टी में शामिल हुई थी तब कुमार विश्वास ने उन्हें आम आदमी पार्टी का जयचंद बताया था। बहरहाल अब देखना ये होगा कि किरण बेदी कुमार विश्वास के इन आरोपों पर क्या पलटवार करती है। नेक्स्ट 9 न्यूज के लिए गायत्री गुप्ता की रिपोर्ट।